हेलो एवरीवन, क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का थर्ड और लास्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर तीनों चीज़ें एक साथ हो, और जहाँ पे तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर में आपको पता है अर्थ क्रस्ट को हम बोलते हैं, जो अर्थ का सरफेस होता है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। डोमेन ऑफ वाटर आपका हाइड्रोस्फेयर कहलाता है, और एयर एंड गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर कहलाती हैं। और बायोस्फेयर में जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, वो लिविंग बीइंग्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे अपने सर्वाइवल के लिए। यानी एक क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को कुछ दे रहा है और दूसरे से कुछ ले रहा है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। आगे देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से प्रोवाइड होती है? प्लांट्स हमें लकड़ी देता है और एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स, जो कि क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। और एज ए शेल्टर बेल्ट जो है वो एक्ट करते हैं प्लांट्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो एज ए बैरियर काम करते हैं जब सॉइल इरोजन होता है, जब ड्राई एरियाज़ में विंड के थ्रू मूवमेंट होती है सॉइल की, तो उसको रोकने में प्लांट्स हेल्प करते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने में भी प्लांट्स हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है अपने रूट में वाटर रखता है, और उस वाटर से क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो जाता है। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। लेटेक्स क्या होता है? अ मिल्की फ्लूइड फाउंड इन मैनी प्लांट्स। और वो मिल्की फ्लूइड जो है वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। टर्पेंटाइन ऑयल, जो तारपिन का ऑयल होता है, जो पेंट इंडस्ट्री में काम आता है, और भी काफ़ी जगह हम उसको यूज़ करते हैं। प्लांट हमें गम देता है, और प्लांट से मेडिसिंस भी प्रोवाइड होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पेपर, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, वो भी हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर, जो नदियों के अंदर हमें क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है? हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड यानी स्किन मिलती है, और वूल हमें मिलती है। इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स में बीज जो होती है वो हमें हनी देती है। इंसेक्ट्स फ्लावर्स के पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। साइंस में आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा। और इंसेक्ट्स जो है वो एज ए डीकम्पोजर काम करते हैं इकोसिस्टम में, यानी हमारी अर्थ को साफ करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर अर्थ के ऊपर होता है उसको ये क्लियर कर देते हैं। बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स भी डीकम्पोजर का रोल निभाते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं अर्थ के ऊपर उनको खाते हैं, जिससे अर्थ क्लीन रहती है। और जो वल्चर होता है, जो बाज आपने देखा होगा, सुना होगा, अब तो खैर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये जो डेड लाइव स्टॉक होता है, जो गायें भैंस मर जाती है, आपने कई बार देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ये रियलिटी में देखा होगा, कि जो वल्चर होते हैं, जो कौवे होते हैं, वो किसी भी मरी हुई बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। अगर आप उसी बॉडी को 2-3 दिन बाद देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। एनवायरनमेंट में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे बड़ा है या छोटा है, वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो किसी जगह पे कैसी नेचुरल वेजिटेशन हमको मिलेगी, वो डिपेंड करता है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है। तो वर्ल्ड में जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स जो मिलते हैं वो हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, श्रब्स एंड टुंड्रा। फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, और रेनफॉल होने के कारण वहाँ पे बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो करेंगे। हाई अमाउंट ऑफ वेजिटेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, यानी उस एरिया में ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पे रेनफॉल हैवी होता है। रेनफॉल हैवी होता है तो इसका मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट रेनफॉल होती है। शॉर्ट ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे, रेनफॉल कम होती है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रास ही होते हैं, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। फिर आता है श्रब्स, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, ड्राई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे पेड़ होते हैं जिन पे कांटे लगे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके डीप रूट्स होते हैं। डीप रूट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर रिटेन करना चाहते हैं, इसलिए उनकी जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन सर्च ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। और वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ के पत्तों का जो सरफेस है वो आपको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल रफ टाइप का होगा, क्योंकि मॉइस्चर उन पत्तों में होगा ही नहीं। फिर आता है टुंड्रा, जो कोल्ड पोलार रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, उन एरियाज़ को टुंड्रा रीजन कहा जाता है। वहाँ पे वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे किसी भी तरीके के पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ होते हैं मॉसेस एंड लिचेंस।
फॉरेस्ट की बात करी जाए तो ब्रॉडली फॉरेस्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा होता है डेसीडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को किसी पर्टिकुलर सीजन में ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर वहाँ के जो ट्रीज हैं वो ग्रीन रहते हैं, इसलिए उन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में वेरी हैवी रेनफॉल जो होती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे होती है, वेस्टर्न घाट्स पे होती है और आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेसीडुअस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है लीव्स शेड करने का, यानी पत्ते गिरने का। जब ड्राई सीजन आ जाता है तो पत्ते गिर जाते हैं ताकि इस फॉरेस्ट के ट्रीज में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो और ज्यादा इवेपोरेट ना हो जाए, इसलिए वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। और डेसीडुअस फॉरेस्ट उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से कम लेकिन 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। बढ़ती पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट काटे जाते हैं ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, क्रॉप्स उगा सके। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो पूरे वर्ल्ड में रैपिडली कम होता जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हमें हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट और एनिमल के वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटते जा रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज होती हैं, जो प्रजातियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे खतरे में आती जा रही हैं, वो कम होती जा रही है। अगर उनको समय रहते हमने कंजर्व नहीं किया, कोई स्टेप्स नहीं उठाए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी धरती से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। डीफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स, इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट है पोचिंग। पोचिंग भी एक मेजर कंसर्न है जो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लोग शिकार करते हैं और ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं जो कि एंडेंजर्ड है या फिर जो वल्नरेबल हैं। तो एनिमल्स की पोचिंग होती है किसके लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके नेल्स के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, उनके सिंघों के लिए या फिर उनके फेदर के लिए। ऐसे एनिमल्स जिनकी पोचिंग होती है उसमें टाइगर शामिल है, लॉयन शामिल है, एलिफेंट, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, इन सभी की पोचिंग की जाती है। और पोच करके वो क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, यानी सरकार को ऐसे एरियाज़ फाइंड आउट करने चाहिए जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, और ऐसे एरियाज़ को हमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर करना चाहिए, रिजर्व्ड एरियाज़ डिक्लेयर करना चाहिए जहाँ पे आम लोग, आम जनता विदाउट परमिशन ना जा सके। वाटर रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, क्रीक्स को बचाना चाहिए, लेक्स को बचाना चाहिए और वेटलैंड्स को बचाना चाहिए। वेटलैंड्स क्या होते हैं, जो कि पानी से लगभग ढका रहता है, जो दलदली एरिया होते हैं, और दलदली एरियाज में बहुत सारी स्पीशीज जानवरों की वो रह के खुश होती हैं, तो ऐसे एरियाज को भी सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और क्रीक क्या होती है, एक ट्रिब्यूटरी होती है जो कि रिवर को ज्वाइन करती है, यानी एक पानी का सोर्स होता है, छोटा सा रिवर तो नहीं होती, छोटा सा सोर्स होता है पानी का जो कि बाद में रिवर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिप्लीट होने से बचाएंगे, ख़त्म होने से बचाएंगे, तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी हमारे बचे रहेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए अफॉरेस्टेशन के लिए, वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे, लोगों को बताना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लाइफ फॉर्म के लिए, सभी के लिए। स्कूल के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनको किसी जू में लेके जाना चाहिए, किसी बर्ड सेंचुरी में लेके जाना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि कितनी सारी वैरायटीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसे लॉज बनाने चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे इलीगल ट्रेडिंग बंद हो, इन बर्ड्स को, एनिमल्स को मारा जाना, इनमें ट्रेड करना, इनकी किलिंग्स बंद करवा सके, ऐसे लॉज बनाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ अप्रोच टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, यानी इंडिया क्या करता है वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो इंडिया में लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज इलीगल, इन सभी एनिमल्स एंड बर्ड्स को मारा जाना
इलीगल है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसका मेन मोटिव था कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में। इनका मेन मोटिव था टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाना, एलिफेंट पॉपुलेशन को बढ़ाना, क्योंकि ये धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रहे थे। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। साइट्स को बनाया गया और उसमें लिस्ट की गई वो सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स जिसमें ट्रेड करना इलीगल है, प्रोहिबिटेड है पूरे तरीके से। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है, इसके तीनों पार्ट यहाँ पे एंड होते हैं। बट स्टिल आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।